Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. World 11 की आमद क्रिकेट पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा करार। श्रीलंका वेस्ट इंडीज के बाद जनूबी अफ्रीका को भी दावत देंगे। नजम सेठी ने नई खुशखबरी सुना दी। अवाम और सिक्योरिटी एजेंसीज के बगैर क्रिकेट की वापसी नामुमकिन थी। आईसीसी डायरेक्टर जाइल्स क्लार्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड 11 मुतवाजन और बॉलिंग अटैक मजबूत है। पाकिस्तान से मुकाबला सख्त होगा। कोच एंडी सावर पर उम्मीद। कप्तान फाफ डुप्लेसी ने पाकिस्तान की मेजबानी को शानदार और आलमी 11 की क्यादत को एजाज करार दिया। वर्ल्ड 11 की टीम आ चुकी है लेकिन अभी तक मुझे टिकट तो नहीं मिली, लेकिन ये है कि कोशिश है कि मैच देखने जाऊं। 500 वाली तो टिकट मिली नहीं रही और 25 वाली भी खत्म हो गई है और 4000 वाली टिकट के लिए तो बहुत लंबी लाइन है और पता नहीं अब क्या बनता है। टिकट्स मिल गई हैं, परसों के मैच की मिल गई हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ मैच के लिए और इंशाल्लाह देखने भी जाऊंगी। टिकट्स नहीं मिली क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और अब मैं टीवी पे बैठ के घर बैठ कर देखूंगी। क्रिकेट दीवानों के मुनफरिद अंदाज। कराची में कौमी और वर्ल्ड 11 के खिलाड़ियों की तस्वीर से सजे दो आजादी ट्रक्स तैयार, कुछ देर बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। बरसों बाद खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। क्रिकेट की बहाली पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वर्ल्ड 11 में कोई पटीचर खिलाड़ी नहीं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की मजार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद से बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली में मदद मिलेगी। अवाम बेहतरीन मुकाबलों से महजूज होंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान। आलमी क्रिकेटर्स को खुशामदी। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की तेहरान में ईरानी सदर हसन रूहानी और वजीर खारजा से अहम मुलाकातें। पाक ईरान ताल्लुकात और नई अमरीकी पॉलिसी पर तबादला ख्याल। अफगान मसले के हल के लिए इलाकाई ममालिक का इत्तेफाक राय होना चाहिए। रहनुमाओं का मौकिफ। शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब के रेफरेंसेज में गलतियों का इंकशाफ। बाज़ जरूरी दस्तावेज मौजूद ही नहीं, कुछ इजाफी दस्तावेज भी नहीं, कई सफात पर नंबर ही दर्ज नहीं। एहतसाब अदालत का रेफरेंस 14 सितंबर तक पेश करने का हुक्म। पनामा केस का फैसला। नवाज शरीफ के बाद बच्चों ने भी 3 रुकनी बेंच में नजर सानी समात मौखर करने की दरखास्त कर दी। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने और तमाम अपीलें एक ही बेंच के सामने सुनने की इस्तदा। बेनजीर भुट्टो कत्ल के सिंसदात दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें समाप्त के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। रिकॉर्ड तलब। सैफ नवाज शरीफ को हटाने से कौम का असल मसला हल नहीं होगा। अपना तमाम नामों का एहतसाब होने तक हर महाज से आवाज उठाएंगे। सराजुल हक का एहतसाब मार्च से खिताब। शुरका लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। पार्टी फंडिंग केस में पीटीआई को एक और मौका मिल गया। 18 सितंबर तक तमाम तफसीलात जमा ना कराई तो इल्जाम दुरुस्त तस्लीम कर लेंगे। 4 साल तक हमारा वक्त जाया किया गया, अब हुक्म जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम। कुलसुम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। फुल बेंच ने कुलसुम नवाज वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 13 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। जमीत अल हदीस के सरबराह से मरीम नवाज की मुलाकात। सेनेटर साजिद मीर ने 120 के जिमनी इलेक्शन में नून लीग की हमायत का ऐलान। शरीफ खानदान की शुगर मिल्स दूसरे अजला में मुंतकली का फैसला कल अदम करार। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का फैसला आ गया। रियासत के तमाम इदारों को अपनी जिम्मेदारियां आइन के मुताबिक अदा करनी चाहिए। कोई अथॉरिटी या इदारा आइन के खिलाफ काम करे तो अदलिया को जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कार
قائد اعظم محمد علی جناح کی 29ویں برسی، گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، میئر کراچی، ڈی جی رینجر سمیت تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اسلام آباد کے عوامی سینٹر میں آگ لگنے کا معاملہ، عمارت سے کودنے والا نوجوان عمر اعجاز افسوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں چل بسا، تعداد 3 ہو گئی۔ کراچی کے ہاکس بے روڈ پر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، برساتی پانی اب تک نہ نکالا جا سکا، سڑک پر کئی کلومیٹر تک بدترین ٹریفک جام، مال بردار گاڑیاں اور شہری رل کر رہ گئے۔ آن لائن فری کاروبار کرنے والوں کے مزے ختم ہو گئے، ایف بی آر نے 0.5% ٹیکس عائد کر دیا۔ بھارتی فوج میں نیا ہنگامہ برپا ہو گیا، 100 سے زیادہ آرمی افسران پروموشن میں امتیازی سلوک کی شکایت لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے۔